आपका आदर्श भारत टीवी में मैं आपके साथ चंदा यादव खबरों की शुरुआत करेंगे। बिहार में नगर परिषद चुनाव की चर्चा जोरों शोरों पर है। छपरा नगर परिषद वार्ड संख्या एक से लोकप्रिय समाजसेवी शाह वार्ड पार्षद प्रत्याशी रियाजुद्दीन अली मुन्ना भी लगातार जनता की अदालत में नजर आ रही है। मुन्ना ने जब हमारे संवाददाता से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा लगातार कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई तो जाती हैं, मगर इन योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। रियाजुद्दीन ने बताया कुछ भ्रष्टाचारी लोग इन योजनाओं को गरीबों तक पहुंचने नहीं देते। ऐसे कई जन समस्याएं हैं जिनको लेकर जनता भी परेशान है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्धा पेंशन, राशन, किरासन जैसी कई योजनाएं हैं जो गरीबों तक नहीं पहुंच पाती या कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ जाती है। मुन्ना ने बताया कि जन वितरण प्रणाली की दुकान वह काफी दूरी पर है, जिससे आवाम को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सड़क, गली, नली सबकी हालत बदतर है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए वार्ड नंबर एक के सम्मानित प्रबुद्ध जनता जनार्दन ने मुन्ना को प्रोत्साहित किया है कि वे एक बार फिर से वार्ड का प्रतिनिधित्व करें। इसलिए मुन्ना ने बताया कि प्रत्याशी के रूप में वह एक बार फिर जनता की अदालत में हैं और वह जनता से वादा करते हैं अगर उन्हें मौका मिला तो वार्ड का सर्वांगीण विकास करेंगे। आज हम पहुंचे हुए हैं छपरा जिला और छपरा जिला के नगर निगम के वार्ड नंबर एक में, जहां से एक लोकप्रिय व्यक्ति मुन्ना जी हमारे बीच आज मौजूद है। जब एक नंबर वार्ड के लोगों से हम लोगों ने संपर्क साधा तो यहाँ के जो भी प्रबुद्ध सम्मानित जनता जनार्दन है, नौजवान साथी हैं, उन्होंने कई लोगों का नाम रखा, लेकिन मुन्ना जी के नाम के ऊपर लोगों ने काफ़ी सहमति जताते हुए अपने बातों को रखा कि लगातार मुन्ना जी सामाजिक स्तर पर बने हुए हैं और लोगों के सुख दुख में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, सामाजिक कार्यों में भी रुचि रखते हैं। आज हम लोग मुन्ना जी के आवास पर हैं और उनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि वार्ड नंबर एक में इस बार का चुनावी मुद्दा क्या होगा और किन किन मुद्दा के साथ ये लोग जनता के अदालत में जा रहे हैं। वार्ड नंबर एक के सम्मानित जनता जनार्दन, नौजवान साथियों तथा अभिभावक तुल मतदाता मालिकों ने अपना बहुमूल्य वोट देकर अगर इन्हें प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया तो प्राथमिकता के आधार पर ये कौन कौन सा विकास का काम करेंगे और वर्तमान में वार्ड नंबर एक में किस तरह का समस्या है। मुन्ना जी बोलिए। सबसे पहले मैं मीडिया के लोग जो आए हुए हैं मैं इनको धन्यवाद देता हूँ जी, जो कि मेरे पास आए इंटरव्यू लेने के लिए। और मेरा कहना ये है कि चुनाव सर पे है और हमारे वार्ड नंबर एक की जनता जनार्दन ने अगर हमें काम करने का मौका दिया जी तो समस्याएं तो बहुत है। वैसे वार्ड में वृद्धा पेंशन बहुत से लोगों का नहीं बना है, केवाईसी जो है कुछ लोगों का पास हुआ है वो भी बंद पड़ा हुआ है, और विधवा पेंशन है, नाली जो भी है गली नाली की साफ सफाई सुचारू ढंग से नहीं हो पाती है जी, जो कि इसका नगर निगम भी जिम्मेदार है जी। हाँ, नगर निगम भी जिम्मेदार है, मैं नगर निगम को भी जिम्मेदार ठहराऊँ मैंने बताऊंगा। तो ये सब कामों पर मेरा फोकस रहेगा और जितने भी मोहल्ला में बूढ़ी औरतें हैं या राशन कार्ड के उपभोक्ता हैं तो राशन कार्ड बहुत दूर चला गया है जी, इतनी दूर चली गई है राशन कार्ड की दुकान जो है डीलर का कि कुछ औरतें जो अकेले हैं घर में वो वहाँ जाने में असमर्थ है, काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जबकि डीलर जो होना चाहिए वो गांव में ही होना चाहिए, बिल्कुल गांव के नजदीक होना चाहिए ताकि आम लोग माने जितने वार्ड के लोग हैं सबको नजदीक पड़े, आसानी से जाकर अपना जाके ले ले। हाँ, तो ये चीज भी पर हमारा ध्यान है कि मैं उस चीज को करीब ले आऊं, बिल्कुल, और मतलब जनता की सुविधा के लिए जो भी काम होगा और मेरे कार्य क्षेत्र में होगा जी उसको मैं करने का प्रयास करूंगा। चूंकि लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का सात निश्चय योजना जो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना था जिसके माध्यम से हर घर नल का जल और पीसीसी सड़क का निर्माण या गली का निर्माण पक्की नली का निर्माण करना था, आपके वार्ड नंबर एक में सात निश्चय योजना के माध्यम से विकास का काम किस तरह का हुआ है? अभी तो चल रहा है जी, चल रहा है अभी, मतलब नल जल का काम चल रहा है और धीमा गति से चल रहा है, मैं ये कहूंगा कि धीमी गति से चल रहा है, अभी देखिए आगे क्या हो रहा है। नगर पंचायत का चुनाव बहुत करीब है, सभी प्रत्याशी अपने अपने जनता के बीच अपना भागीदारी सुनिश्चित करना शुरू कर दिया है, आप भी लगातार जनता के संपर्क में बने हुए हैं, इस बार जनता से क्या अपील करेंगे आप? मैं जनता से यही अपील करना चाहूंगा कि जनता सिर्फ
मुझे एक बार मौका दे जी, और फिर खुद उनको लगेगा कि मैं कितना खड़ा उतरा उनके मतलब अपने कामों से जी, जी उनको लगेगी, और अपने तरफ से जितना हो सकेगा मैं काम करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हमारे दिल में काम करने की इच्छा है जी जी बिल्कुल, और जिसके पास इच्छा नहीं होती है वो जीत के भी कुछ नहीं कर पाते हैं, और हमारे पास इच्छा है, मैं बगैर जीते हुए भी बहुत सारे कामों को करता हूँ, जो हमसे हो जाता है वो कर देते हैं हम, और अगर जनता जनार्दन अगर हमें ताकत देगी मतलब जिताएगी हमें तो और ज़्यादा काम करेंगे। निश्चित तौर पर वार्ड नंबर एक से रियाजुल दीन अली उर्फ मुन्ना जी का यह मानना है कि सरकार तो विभिन्न प्रकार की जन उपयोगी योजनाएं चला रही है, चूंकि बेहतर विकास करना है, और कहीं ना कहीं जो विकास का जो रफ्तार है वो काफ़ी धीमी गति से चल रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं प्रतिनिधि के साथ साथ जो इसके जो पदाधिकारी हैं उनका भी बेहतर या सकारात्मक रुख नहीं होना भी एक बड़ा मायने रखता है। इन सारे मुद्दों को लेकर मुन्ना जी इस बार जनता के अदालत में है, अगर वार्ड नंबर एक के सम्मानित जनता जनार्दन ने इनको सेवा का मौका दिया तो निश्चित तौर पर वार्ड नंबर एक का सर्वांगीण विकास होगा, सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ 100% जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं दीनदयाल तिवारी छपरा से। जनहित की आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए अगर आप तमाम खबरों को फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और साथ ही तमाम खबरों को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, आदर्श भारत टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें। We'll be right back.